will discuss about the topic, that is greedy method. So before starting the greedy method, let us see यहाँ पे हम main concepts क्या use करते हैं. तो generally जब भी हम कोई problem solve करते हैं, obviously उसमें कुछ n number of हमारे पास inputs रहती हैं. और हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है, या फर्स्टली हमारा मेन एम क्या होता है कि कुछ प्रॉब्लम तभी सॉल्व होगी अगर वो कुछ हमारी लिमिटेशंस को या हमारे कंस्ट्रेंट्स को फुलफ़िल करेगी. तो अगर मैंने एन इनपुट्स लिए हैं अपनी प्रॉब्लम में, तो उसमें से एन नंबर ऑफ़ इनपुट्स में से जो सेट ऑफ़ इनपुट्स मेरे कंस्ट्रेंट्स को फॉलो करेंगी, तो उसको हम बोल देते हैं फिजिबल सॉल्यूशन. अब नेक्स्ट है जो मेरी प्रॉब्लम का मेन ऑब्जेक्टिव है, जो मुझे फाइनल आंसर चाहिए. तो डिपेंडिंग अपॉन आपकी प्रॉब्लम क्या है, कि आप चाहते हो कि फाइनल आंसर की वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए या फाइनल आंसर की वैल्यू कम होनी चाहिए. जैसे सपोज़ अगर आप कोई डिटर्मिन कर रहे हो कि किस कौन सा हम मेथड फॉलो करें कि हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग में कम से कम टाइम लगे, राइट. तो हमारा यहाँ पे मेन ऑब्जेक्टिव है, हमें वही वाला मेथड फॉलो करना है जिसमें टाइम कम से कम लगे. मतलब ऑब्जेक्टिव मेरा है कि मिनिमाइज़ करना वैल्यू को. तो लाइकवाइज आप ऐसे भी कर सकते हो, किसी एग्जांपल में हो सकता है कि आपको जो फाइनल आंसर है वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए. मींस अगर आप सपोज़ एग्जांपल ले लो, अगर आपको प्रॉफिट डिटर्मिन करना है, तो हम यही चाहेंगे प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो. तो डिपेंडिंग अपॉन प्रॉब्लम ये हमारा ऑब्जेक्टिव वेरी कर सकता है, इधर ये मैक्सिमाइज़ हो सकता है या मिनिमाइज़ हो सकता है. तो जो फिजिबल सॉल्यूशन हमारे इस ऑब्जेक्टिव को या मैक्सिमाइज कर रहा है या मिनिमाइज कर रहा है, उसको हम बोल देते हैं ऑप्टिमल सॉल्यूशन. तो नेक्स्ट देखते हैं कि ग्रीडी मेथड में हम प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं. तो यहाँ पे मैंने लिया एल्गोरिदम ग्रीडी, और यहाँ पे टू पैरामीटर्स लिए हैं. फर्स्ट पैरामीटर ए, जो हमने एक एरे लिया है जिसमें हमने अपने इनपुट्स को स्टोर किया है, और नेक्स्ट पैरामीटर है एन, जो मुझे बता रहा है कि मेरे पास एन नंबर ऑफ इनपुट्स हैं, राइट. तो ये यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया. अब इनिशियली हमने एक वेरिएबल लिया सॉल्यूशन, जिसको हमने फाइव से इनिशियलाइज़ किया है. मींस जब हम प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे हमारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं होगा. तो इनिशियली मैंने कहा है कि मेरे पास कोई सॉल्यूशन है, तो ये एम्प्टी है. अब ग्रीडी मेथड की एक और प्रॉपर्टी है कि यहाँ पे आप जब भी सॉल्व करते हो, आप स्टेज बाय स्टेज इसको सॉल्व करते हो, और हर एक स्टेज पे आप एक एक इनपुट लेके चलते हो. तो यहाँ पे मैंने लूप लगाई है कि हम हर एक स्टेज पे सिंगल इनपुट कंसिडर करेंगे. तो कोई एक्स वेरिएबल मैंने लिया है यहाँ पे, जिसमें मैंने क्या किया, सिलेक्ट मेथड की हेल्प से मैंने एरे ए में से फर्स्ट इनपुट को सिलेक्ट कर लिया. अब नेक्स्ट मुझे देखना है कि ये इनपुट जो मैंने लिया, जो एक्स वेरिएबल में मैंने उसको डाल दिया है, ये फिजिबल है कि नहीं. तो यहाँ पे मैंने फिजिबल मेथड लगा दिया और देख लिया कि जो एक्स इनपुट है ये फिजिबल है कि नहीं. अब साथ में मैंने सॉल्यूशन इसलिए लिया क्योंकि अगर मेरे पास सॉल्यूशन, यहाँ पे तो मेरे पास सॉल्यूशन इनिशियली एम्प्टी है, बट अगर सॉल्यूशन में कुछ वैल्यू होती, तो न्यू जब हम इनपुट ले रहे हैं वो एग्जिस्टिंग वैल्यू के साथ फिजिबल है कि नहीं. अगर वो फिजिबल होगी तभी हम उसको कंसिडर करेंगे. तो यहाँ पे मैंने चेक कर लिया. तो अगर वो कह रहा है कि ठीक है, जो आपने इनपुट लिया वो फिजिबल है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा सॉल्यूशन इनिशियली एम्प्टी था उसमें हम यूनियन कर देंगे, मतलब ऐड कर देंगे न्यू वैल्यू ऑफ इनपुट जो हमने एक्स वेरिएबल में डाली थी, ठीक है. तो ऐसे हम स्टेप बाय स्टेप चलते रहेंगे अप टू nth इनपुट, और एट द एंड जो सॉल्यूशन हमारे पास फाइनल सॉल्यूशन वेरिएबल में हमारे पास, वो सारे सॉल्यूशन आ जाएंगे जो हमें ऑप्टिमल सॉल्यूशन दे रहे हैं. तो एंड में हम क्या रिटर्न कर देंगे, रिटर्न सॉल्यूशन. सो दैट्स ऑल फॉर ग्रीडी मेथड. थैंक यू.